जिद्दी बहू। संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन क्या हो जो बहू मायके से ये सीख लेकर ही ससुराल आए कि घर को तो तोड़ कर रखना है। एक दिन बहू की माँ फोन पर, अरे ठीक है, नई नई हो तो थोड़ा बहुत सह लो, लेकिन हाँ बेटा, गृहस्थी अपनी ही होती है, ये सास का घर है, ये ध्यान रखना। तेरा पति अच्छा कमाता है, पहले किराए पर अलग हो जा, फिर अपना घर ले ले, और फिर बहाने से इन लोगों का घर में आना भी छुड़वा देना। हाँ माँ, मैं समझ रही हूँ, तू माँ है ना, तू मेरा भला ही सोचेगी। माँ मैं वैसा ही करूँगी जैसा तू कहेगी, लेकिन अभी तो ये मेरी बात इतनी सुनते नहीं है, क्या करूँ? अरे कोई बात नहीं ना, शुरू में कोई नहीं सुनता, लोगों को मुट्ठी में बंद करने का फॉर्मूला होता है। ऐसी घुट्टी बताऊंगी कि माँ की शक्ल भी नहीं देखेगा तेरा पति। अच्छा चल, तेरी भाभी को जरा दो चार ताने दे दूँ, फिर बात करती हूँ। बहू फोन रख देती है और कमरे के बाहर आती है, जहाँ सास बैठकर पूजा की माला जप रही होती है। अरे का हो गया भाभी, कुछ चाहिए का? नहीं नहीं, तू काम कर अपना, ये बता घर के सारे लोग कहाँ है? कहाँ से कहाँ मतबल, दीदी कॉलेज, आपके मियाँ जी ऑफिस, और ससुर जी पार्क में, और माँ जी ये बैठी है। आप किसी को देख रही है का? अरे किसी को नहीं देख रही हूँ, ज्यादा बात मत कर। ला सासु माँ की रोटी मैं बनाती हूँ। का बात है भाभी, सास की सेवा? वैसे आप लगती तो नहीं है सेवा करने वाली। बहू को नौकरानी पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल कर कहती है, तो कैसी लगती हूँ मैं? और बुरा न मानना भाभी, मुझे तो लगता है कि अपना इस घर का सत्यानाश करके ही मानेंगी। जब परिवार आज साथ साथ खुशी से रह रहा है ना, उसे अच्छे से अलग करोगी, तोड़ कर रख दोगी, भैया को बर्बाद कर दोगी, और बस बस बस। कमला क्या क्या बगीचा रही है, अभी तो मैं तुझे जानती भी नहीं हूँ, और तूने मेरी पूरी कुंडली खोल कर रख दी। अरे वो कहाँ है ना भाभी जी, कभी झाड़ू तो कभी पोछा करते, मैंने सुना है आपके और आपके माताजी के बीच की बात है। ये पकड़ 2000 की नोट, चुप रहने के लिए, समझी? दफा हो जाए यहाँ से। नौकरानी को क्या, ऊपरी कमाई होगी तो खुशी खुशी दूसरे कमरे में चली जाती है। ये बुढ़िया बहुत बोलती है, आज तो इसकी सब्जी में इतनी मिर्ची डाल देती हूँ कि सारा दिन सीसी करती रहेगी, फिर आएगा मजा। बहू सास की सब्जी में खूब सारी लाल मिर्ची डालकर वहां से चली जाती है। कमला, अरे ओ कमला। जी मालकिन, का हो गया? जरा खाना लगा, और सुन, आज रोटी सिर्फ मीठी दही के साथ खाने का मन है, सब्जी रहने देना, और वो बड़े घर की जो महारानी है ना तेरी भाभी, उसे बोल खाना खा ले। माँ जी वो तो खा चुकी है, मैं अभी आपका खाना लगा देती हूँ। सास पूरा खाना पीना करके ड्राइंग रूम में बैठी होती है कि बहू मन ही मन अपने कमरे में सोचती है, बुढ़िया की जीप में आग लगी होगी, रॉकेट की तरह उड़ रही होगी पूरे घर में। जरा चलकर मजे ले ही लेती हूँ। बहू सास के पास जाती है तो सास तो मजे से सीरियल देख रही होती है। आजा कामचोर, तू भी बैठ कर देख ये सास बहू के सीरियल, बड़े मजेदार होते हैं। अरे देख ना, बहू खुद को पता नहीं क्या समझती है, सास की सब्जी में मिर्ची डाल दी, लेकिन कहते हैं ना करम, पता है क्या होता है? बहू घबरा जाती है और जल्दी से बताओ क्या होता है सासुमा, क्या होता है? अरे वो क्या होता है कि बहू खा लेती है क्या वो सब्जी धोखे से, कुछ तो बोलिए। सास कुछ कहती उससे पहले ही बहू के फोन पर उसकी माँ का फोन आता है। अरे बेटी, न जाने कैसे मैंने ढेर सारी मिर्ची खा ली है, अरे किसके बुरे कर्म है जो मैं भुगत रही हूँ। माँ मेरे यानी आपकी बेटी के है वो कर्म। अरे ना ना बच्ची, तू ऐसा नहीं कर सकती, ये तो मैंने तुझे सिखाया ही नहीं। खैर कोई ना, तू काम कर, मैं तो बस तुझे बताने के लिए फोन कर रही थी। बहू को तो अब सास की शक्ल देख देख कर गुस्सा आ जाता है, पता नहीं कैसी किस्मत लेकर आई है बुढ़िया, अब जब तक पति को कब्जे में नहीं ले लेती इसे तो झेलना ही होगा।
सास जो हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी, बहू किसी न किसी तरह उन्हें परेशान करने का सोचती रहती। फिर एक दिन, अरे कमला सुन, आज घर का सारा काम मैं करूंगी, ये ले 2000, जाकर ऐश कर, आज तेरी छुट्टी। काम वाली खुश हो जाती है। और क्या बात है भाभी, आपके सकल और तौर तरीके है तो पूरे खलनायिका वाले, लेकिन काम कभी कभी आप ऐसे हीरोइने वाले कर देती हो। बहू को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन एक बार फिर, मैं कहां हीरोइन, असली हीरोइन तो तू है जो सब जानती है। जाकर काम कर, नहीं तो ये पैसे दे और काम पर लग जा। और भाभी बुरा मान गई काम, मैं तो मजाक कर रही थी। नौकरानी के जाने के बाद बहू पूरे घर की लाइट का मेन स्विच ऑफ कर देती है, किचन में लॉक लगाकर बाहर से दरवाजा बंद करके चली जाती है। फिर बाहर आकर, मजा आ गया, फैन एसी सबान, ऊपर से भूखी रहेगी वो अलग, मैं तो चली शॉपिंग करने। लेकिन ये क्या, थोड़ी ही देर में बहू के पास उसकी माँ का फोन आता है। अरे बेटी जल्दी घर आ जा, घबराहट हो रही है, अरे मर जाऊंगी मैं, बेटा कहाँ है तू? बहू भागी मायके जाती है, जहाँ उसकी माँ की बंद कमरे से आवाज आ रही होती है। अरे बेटा न जाने कैसे मैं इस बंद कोठरी में बंद हो गई हूँ, बेटा मेरी तो सांस ही रुक गई थी, तू ना आती तो शायद मैं तो मर ही जाती। ये तो अच्छा है कि मैं आ गई, लेकिन मेरी सास वो तो आज परलोक सिधार जाएंगी। दोनों माँ बेटी हंस रही होती है कि सौरभ का फोन आता है। अरे कहाँ हो तुम, मैं और माँ आज डिनर बाहर कर रहे हैं, तुम भी खा कर ही आना। क्या तुम घर आ गए? अरे नहीं, वो माँ मंदिर गई थी, घर गई तो शायद तुम थी नहीं, माँ ने मुझे फोन किया, अब मैं जल्द ही घर आ गया था, तुम हो नहीं तो मैं और माँ घूमने जा रहे हैं, तो तुम भी ना खाना खा कर ही आना। अब क्या, बहू हैरान, जिस बुढ़िया को माफ करिए, सासू माँ को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था, वो तो मंदिर में निकली, और यहाँ मायके में माँ बंद कमरे से। हे भगवान, अब तो सारी सब्र की सीमा खत्म हो गई थी। फिर कुछ ही दिनों में, देखो मैं साफ साफ बोल दे रही हूँ, तुम अपने परिवार वालों के साथ रहोगे या मेरे साथ? कैसी बात कर रही हो, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं पापा माँ के बिना कैसे रह सकता हूँ। ठीक है तुम्हारी मर्जी, मैं तो चली। अरे प्लीज यार ऐसा मत बोलो, अरे मैं समाज को क्या कहूंगा, बीवी क्यों चली गई? इसी बात का तो फायदा उठा रही हूँ। अब देखो मैं साफ कह देती हूँ, लात मारो इस घर को, हम लोग किराए का मकान ले लेते हैं, फिर धीरे धीरे अपना भी ले लेंगे, आराम की जिंदगी, फ्री लाइफ। तभी घर की बेल बजती है, सामने खड़ी होती है बहू की माँ। अरे बहन जी क्या हो गया इतनी रात में, सब ठीक तो है ना? अब क्या बताऊँ बहन जी, बेटे बहू ने घर से निकाल दिया है, वो भी बिना फूटी कौड़ी दिए, समझ लीजिए पैदल ही आ रही हूँ, पता नहीं किसके बुरे कर्म मेरी जिंदगी खराब कर रहे हैं। बहू जो सामने खड़ी होती है वो भी फूट फूट कर रोने लगती है। माँ ये मैं हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना माँ।